गुड मॉर्निंग वंस अगेन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज डेट है 30th सितंबर, मंथ एंडिंग है, मंथ को क्लोज कर रहे हैं एक राइड के साथ। और राइड पे हम लोग जा रहे हैं इस समय मंडला की तरफ। जगह का नाम है सहस्त्रधारा। ये सहस्त्रधारा देहरादून वाला नहीं है, ये सहस्त्रधारा है मंडला वाला। एंड हमने जो रूट चूज़ किया हुआ है वो रूट एक्चुअली जा रहा है निवास से होते हुए। निवास आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए देखिए। फॉसिल पार्क वाला जो रूट था, जो हम लोग राइड पे हम लोगों ने निवास वाला रूट ऑप्ट किया था, लेकिन फॉसिल पार्क के लिए हमें निवास से लेफ्ट लेना पड़ता है और मंडला जाने के लिए हमको निवास से राइट जाना पड़ेगा। निवास वाला रूट थोड़ा लंबा है। वाई वी आर डूइंग सो, बिकॉज एक्चुअली क्या है कि जो मेन रूट है मंडला वाला, जो कनेक्टिंग रूट है 90 किलोमीटर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है, उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हमने उसको स्किप कर दिया है सो दैट कि हम अच्छी राइड कर सकें, गुड राइड कर सकें। और अभी हम लोग निवास में रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। धूप तेज़ है, थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है। राइड पर तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रुकते हैं कहीं पर ये जैकेट के साथ, ओफो इट्स टू मच हॉट। चलिए फिर अब मैं आपको मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से जो, और ये हैं मेरे साथ नितिन सर यहाँ पर, और ये है मयंक, दिस इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसको तो आप जानते ही हो, पुराना खिलाड़ी है अपना। और यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए हैं कौस्तुभ सर, खाना आया था, मंगोड़े आ रहे हैं भाई, मंगोड़े इज ऑन द वे। इश्तियाक मैम को तो आप जानते ही हैं, और अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज जाइए पुराना वीडियो देखिए, क्योंकि हमारा बांदेपुर राइड था आई थिंक। यस, केके एंड केके सर। केके सर जो है, मैं आपको बताता हूँ, केके सर मेरे रिव्यूअर हैं, ये हमेशा मुझे फीडबैक भेजते रहते हैं। और मेरे साथ दुर्गेश भाई भी हैं, बहुत एक्साइटेड थे मिलने के लिए। क्या था ऐसा भाई? हाँ सर, हाँ सर, बस मिलने के लिए था, लास्ट राइड सर के साथ ही थी, बहुत ओके वो। और बस हम निकलते हैं थोड़ी देर में, काफ़ी टाइम हो चुका है, आई थिंक इट इज़ 9:42 ऑलमोस्ट। निवास से हम लोग निकल गए हैं अब, और सामने जो दिख रहा है तो ये रास्ता जाता है फॉसिल के लिए। हम लोग बेसिकली यहाँ से राइट टर्न ले रहे हैं एंड दिस इज रोड फॉर मंडला। तो एंजॉय कीजिए इस राइड को मेरे साथ, और बने रहिए मेरे चैनल पर, और प्लीज़ पूरा देखिएगा राइड को, बहुत मज़ेदार राइड है। अब हम लोग मंडला में अंदर आ चुके हैं, और हमें अब जा रहे हैं सहस्त्रधारा की तरफ, बट मंडला के अंदर से होते हुए जाना पड़ेगा। और हम लोग बढ़िया है, बस बीच में थोड़ी रोड ख़राब थी। लिखा हुआ है सहस्त्रधारा 7 किलोमीटर, ओके, तो यहाँ से सहस्त्रधारा 7 किलोमीटर है बाबा। मैं आज अपनी खुद की बाइक चला रहा हूँ, थंडरबर्ड, काफ़ी टाइम हो गया था उसको चलाए हुए, सर्विसिंग के लिए गई हुई थी, और बहुत मस्त सर्विसिंग हुई इस बार, बहुत ही स्मूथ जा रही है, एकदम जैसे तंदूरी रोटी पे बटर पिघलता है वैसे ठीक उसी तरीके से स्मूथली एकदम चली आ रही है रोड पे बाइक। मैं पहले भी मंडला आया हूँ आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ कान्हा की, जब मैं कान्हा नेशनल पार्क गया था तब। हेलमेट लगाया करो, हेलमेट। सहस्त्रधारा पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे साथ कपिल वर्मा जी हैं, माहिष्मती राइडर से, पूरे राइडर्स वहाँ पर मेरे साथ खड़े हुए हैं समय माहिष्मती के, एंड रियली इट्स अ प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें मतलब इतना अच्छा लगता है जब कोई अपने ही राइडिंग कम्युनिटी का हमें ग्रीट करता है, हमारा स्वागत करता है। और कपिल वर्मा जी हैं मेरे साथ, जो इस समय आप सब लोगों को बताएंगे कि थोड़ी सी सर हिस्ट्री बता दीजिए ज़रा। सहस्त्रधारा वो जगह है, इस जगह पर माँ नर्मदा जी जब निकली उन्हें रोकने के लिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार से सहस्त्रबाहु नाम के एक राजा थे, उन्होंने कोशिश की, जब उन्होंने भुजाओं से अपनी रोकने की कोशिश की तो माँ नर्मदा ने उनको पूरी भुजाओं को खंडित करते हुए सहस्त्र रूपों में यहाँ से प्रवास किया, तब जाके इस जगह का नाम सहस्त्रधारा पड़ा। मंडला का बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, यहाँ आप लोग आए सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी जगह है सर। थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ हैं माहिष्मती जी के हेड कैप्टन, आई थिंक कैप्टन सर, कैप्टन साहब, वाकई में कैप्टन साहब लगते हैं, मैं सोचा पहले एयरफोर्स में है ये सर। आपका नाम? मेरा नाम रूपेश कुमार
सुल्तानी है और मैं माहिष्मती राइडर को बिलोंग करता हूँ। और मेरे साथ जितने भी आप जितने सदस्य देख रहे हैं मंडला के सभी सदस्य हैं, ये हमारे साथ के नीरज चंदानी जी हैं और ये संतोष चौकसे जी हैं और ये राजीव गोप जी हैं और इनके साथ ही खड़े जो साथ में हमारे सुरभि पाठक जी और बड़े भाई हमारे विजय ईसरानी जी, विजय सर ये इनके बड़े भाई हैं। हाँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, विजय ये बड़े, आप छोटे? मैं छोटा। ओके, फ्लाइंग कमर्शियल पायलट भी हैं। हेलो, मेरा ख्वाब था कभी, मतलब मैं भी फ्लाइंग करूँ ऐसी कोई चीज़, पर हो नहीं पाया। इजी थिंग, बहुत इजी, जैसे आप गाड़ी चलाते हो वैसे आप प्लेन उड़ाते हो, तो इट्स बेसिकली मैं ड्राइवर हूँ एक प्लेन का। बट इनकी पर्सनैलिटी पर मत जाइए, इनकी पर्सनैलिटी पर मत जाइए, ये फार्मर भी है, मतलब ये मॉडर्न जमाने के फार्मर है यार, मतलब देख के लगता नहीं यार आदमी को। बॉडी बिल्डर भी है, तो अभी बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बट इट्स अ गुड थिंग टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी फर्स्ट थिंग, जब तक ये मशीन हमारी, जैसे हम बुलेट की देख रेख करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वैसे हमारी ये शरीर ऑयल ग्रीसिंग करते हैं, तो ये हमारी मशीन है, अगर ये साफ सफाई नहीं रहेगी तो फिर आप आगे कोई राइड भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, कोई काम नहीं कर सकते, सो दैट इज़ द मेन मोटो हियर। अभी जा रहे हैं यहाँ से लंच करने के लिए और लंच करने के बाद देखते हैं कुछ प्लान हुआ है हॉट स्प्रिंग जाने का, टाइम मिलेगा तो वहाँ भी जाएंगे या हो सकता है नेक्स्ट राइड फिर से प्लान करेंगे वहाँ जाने के लिए। और बाकी सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। माहिष्मती के लोगों के, मतलब मंडला के लोग जो माहिष्मती राइडर्स हैं, उनसे मिलने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। जितने लोग आप लोग देख रहे हैं कभी अगर मंडला आते हैं तो प्लीज़ मैं माहिष्मती राइडर से, आप मुझसे पिंग करके पूछ सकते हैं, मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा आपको। सो वेन एवर यू आर राइडिंग टूवर्ड्स मंडला और गोइंग थ्रू मंडला, तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम फॉर एनी हेल्प। पर चल रहा है अवैध मछली पकड़ने का कारखाना, ये जितने भी मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये सब लोग अवैध मछली पकड़ रहे हैं, गौर से देखिए इन लोगों को, इनको जरा भी एहसास नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह ये कर रहे हैं। कहां से आए थे? दिस इज द रोड फ्रॉम जबलपुर, जबलपुर से ये रोड आ रही है और ये इधर को जा रही है, तो ये है सर। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन टू माहिष्मती राइडर्स, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा वेलकम, इतना अच्छा ब्रदरहुड देखने को मिला, इसे बहुत अच्छा लगता है यार, मतलब जब आप जाते हो तो रियली इट्स फील गुड। वी आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स अवर जबलपुर, एक्चुअली मंडला का जो पुराना नाम है, वो है माहिष्मती, तो इसीलिए आई थिंक राइडर्स ने जो अपना नाम रखा वो बहुत सही रखा माहिष्मती, और मुझे लग रहा था कि शायद वो बाहुबली के बारे में है, तो बाहुबली से इंस्पायर तो नहीं है, बस निकलेंगे आई थिंक यहाँ से 2 से 2.5 घंटे लगेगा पहुँचने में, थोड़ा लेट हो जाएगा। और अगर आप विज़िट कर रहे हैं मंडला या आप जा रहे हैं मंडला से आगे कान्हा की तरफ, तो यू कैन स्टॉप हेयर फॉर अ वाइल। और हमारा जो लंच पॉइंट था, वो लंच पॉइंट है आपका प्रकाश होटल, पीछे मेरे लिखा हुआ है, तो अच्छा खाना था, आलू के पराठे यहाँ पे टेस्ट करिए, बिल्कुल मस्त है, आलू के पराठे ही टेस्ट करना, मतलब आलू के पराठे के लिए फेमस है, तो रियली गुड फूड। आभास मेरा रेटर आज नहीं है, आई मिस आभास, बट स्टिल आज बहुत सारे राइडर्स आए, कॉस्ट्यूम सर भी थे और साथ में कुछ नए राइडर्स भी आए, वीडियोज आते रहेंगे। अब जो राइड होगी, अगली जो राइड मैंने प्लान की है बहुत स्पेशल राइड है, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फंटास्टिक, एकदम मस्त नया वीडियो आने वाला है, मैं ब्लॉग तो नहीं बोल सकता बिकॉज वो शायद सीरीज निकलेगी, 3-4 दिन का ट्रिप रहेगा और बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप, जो मेरी अपकमिंग ट्रिप है, और वो ट्रिप जबलपुर से बाहर जा रहा हूँ मैं, दशहरा इस बार, पिछले बार दशहरा मैं स्पीति गया था, स्पीति वाली ट्रिप को पूरा देख लीजिए, और इस बार भी दशहरा में कुछ धमाकेदार होने वाला है, तो इंतज़ार करिए धमाके का। और मैं लेता हूँ विदा, अब बस वापस जा रहे हैं, तो रूट वही है पुराना, तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो अब बस यहाँ से स्टॉप करते हैं और मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। तो मैं कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर करना इंपॉर्टेंट है, घूमना भी इंपॉर्टेंट है, तो जैसा लगे वैसा करें, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अलविदा, शब्बा खैर, पता नहीं हो क्या क्या।